हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल लर्न विद संध्या हैशटैग लियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर दी रेशियो रेशियो 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ आइदर एज विल बी 56 ईयर। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज। इन दोनों की हमको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था रेशियो में दिया रहेगा तो आप उसमें एक्स लेट कर लेंगे। तो लेट 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 दी सॉरी लेट दी एज ऑफ राहुल राहुल एंड हरून हरून लेट द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर, ये 5 है तो 5 के साथ x एंड 7x, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद 4 साल बाद 4 years later 4 साल बाद राहुल की एज राहुल एज कितनी होगी 5x+4, ठीक है, ये ईयर्स हो गया। अब ऐसे ही हरून हरून एज इक्वल टू 7x+4 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 5x+4+7x+4 इक्वल टू 56 दिया है ना। तो 7 5 12x, एक्स को प्लस कर लिया, प्लस 4 4 8 इक्वल टू 56। तो 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, प्लस का था इधर आके माइनस का, 12x इक्वल टू 56 में से 8 माइनस करेंगे तो 48, ठीक है, x इक्वल टू 48, यहाँ पे 12 कर लीजिएगा, यहाँ x ये नीचे आ जाएगा 12 डिवाइड फॉर्म में, तो कट जाएगा 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 4 आई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब नंबर फाइंड कर लेते हैं, सॉरी राहुल की एज, राहुल एज x आ गया तो हम लोग फाइंड कर लेंगे ना। राहुल एज विल बी 5x था ना, तो 5 और ये 4, 5 4 जा 20 आया। अब हरून की एज देखते हैं क्या है। हरून एज विल बी हरुण वे एज विल बी, तो 7x है तो 7, ये x की वैल्यू 4 पुट करके 7 4 जा 28। तो ये हम लोग का राहुल की एज पता चल गई 20 और हरुण की 28। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5, the number of boys 8 more than the number of girls, what is the total class strength, ये question था। तो इसमें हम लोग को class की total strength बतानी है। तो पहले हम लोग number of boys और let कर लेते हैं, number of boys and girls, तो let the number of boys and girls are, रेशियो में दिया था तो उसके आगे x कर लेते हैं, 7x and 5x, ठीक है, 7x and 5x respectively, respectively
बिल्ली, ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी सॉल्व हो जाएगा। तो 7x-5x इक्वल टू क्या था, 8 था ना, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द गर्ल्स, ठीक है, 8 है। अब 2x, 7 में से 5 गया तो 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, तो 2 4 4 जा, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तब हम लोग नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स में पुट कर लेंगे, फिर इन लोग की टोटल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 7x इक्वल टू 7 है, x की जगह 4 पुट कर लेंगे, 7 4 जा 28। वैसे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स GIRLS गर्ल्स 5x है, तो 5 लिखिए और x की जगह 4 पुट कर दीजिए, 5 4 जा 20। तो बॉयज कितने हैं, 28 हैं, गर्ल्स हैं 20। तो हम लोग का टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्टूडेंट बताना था, तो टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट 28+20 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। तो हम लोग का टोटल स्ट्रेंथ निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।